YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर काम कैसे करता है और प्रिंटर की क्या क्वालिटी होती है और कितने प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं, और इस पे हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने प्रिंटर के बारे में जानकारी नहीं है, प्रिंटर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आपके दिखता कैसे है, तो वो आज सारा मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटर क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज है कि प्रिंटर, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रिंटर होता है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं यानी कितने प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं, और तीसरी चीज है आज मैं इसको डिस्कस करूंगा कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होगा। दोस्तों आज मैं तीन चीजों के, तीन हेडिंग, तीन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करूंगा कि प्रिंटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या होता है और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। दोस्तों आप जैसा कि जानते होंगे कि आप कभी भी अपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को जब किसी फोटो स्टेट या किसी भी कैफे की दुकान पे जाते हैं, ऑनलाइन की दुकान पे जाते हैं, तो वहां पे आप अपने जब किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हैं, जिस मशीन से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होके निकलता है उसी को प्रिंटर कहा जाता है। आप सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है दोस्तों जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के इमेज या किसी भी प्रकार की टेक्स्ट या किसी भी प्रकार के हमारे लिखे हुए अक्षर प्रिंट किए जाते हैं, चाहे वो कोई फोटो वगैरह ही समझ लीजिए। जैसे कि एक तरीके से प्रिंटर को माना जाता है कि कंप्यूटर के अंदर वो एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। पेरिफेरल डिवाइस का दोस्तों का मतलब कि उसको कंप्यूटर से हम उसको अटैच करते हैं, अलग से केबल के माध्यम से जोड़ते हैं, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर से जुड़ करके अपने प्रिंटर से किसी भी डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। दोस्तों जब हम प्रिंटर से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को निकाल लेते हैं, एक पेज पर जब हम निकाल लेते हैं, तो उसे हम हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये था प्रिंटर कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर कई तरीके के होते हैं, उनमें आवाज वाले भी होते हैं, बिना आवाज वाले भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और बुरे क्वालिटी के भी होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आज बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या होता है। दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रिंटर का मतलब प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर तो वैसे कई तरीके के होते हैं, मार्केट में आता है, लेकिन टाइप्स ऑफ बेसिकली जो मूल रूप से प्रिंटर होते हैं मार्केट में, वो कौन कौन से होते हैं जिन पर आज की डेट में पब्लिक काम कर रही है। दोस्तों पहला प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो तरीके के प्रिंटर हमारे इस मार्केट में यूज हो रहे हैं, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर आपने कॉपी पेन ली हुई है तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर पहला और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो बहुत ज्यादा हैमर करता है, मतलब हीटिंग प्रोसेसिंग होती है उसमें, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को अगर प्रिंट करना है हमें तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और वो जल्दी गर्म होता है और बहुत ही लो क्वालिटी का प्रिंटिंग देता है, कह सकते हैं बहुत ही चीप लगता है, बहुत ही रफ टाइप का उसमें प्रिंटिंग होता है, उसका यूज ज्यादातर नहीं होता है। जैसे आजकल के डेट में वो प्रिंटर नहीं यूज होता है जिसका नाम है डीएमपी प्रिंटर। दोस्तों डीएमपी प्रिंटर होता है इम्पैक्ट के अंदर, डीएमपी जिसका फुल फॉर्म है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का ऐसा प्रिंटर होता है दोस्तों जिसके अंदर लगभग 300 से अधिक डॉक्यूमेंट तो प्रिंट आप कर ही सकते हैं, उसको हैवी लोड में यूज किया जाता है, बट वो एक प्रकार का ऐसा प्रिंटर होता है उसे किसी भी प्रकार की अगर प्रिंटिंग की जाए तो उसका जो प्रिंटिंग और प्रिंट आउट आपको सामने निकल के आता है बहुत ही रफ होता है, चीप होता है, उसके जो लेटर्स लिखे होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, आपको कटे कटे जैसे होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि वो अच्छा किस तरह दिखता है। आप कभी रेलवे पे गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे जब आप ट्रेन का टिकट खरीदते हैं, रेल टिकट जिसको बोलते हैं, जब आप ट्रेन की टिकट खरीदते हैं तो उस जिस प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ था पेज होता है दोस्तों, जो आपका टिकट प्रिंट होता है वो एक डीएमपी प्रिंटर से होता है। डीएमपी प्रिंटर हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर अभी यूज किया जाता है वहां पे जहां पर भी हैवी लोड होता है, जहां पे कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, जहां पे काफी मात्रा में पेजेस को डेली पर डे प्रिंट करना होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। नॉर्मली तरीके से शॉप पे, दुकान पे और जो भी एक प्रोफेशनल वो होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहां पे इसका डिमांड खत्म हो चुका है, इसका यूज ज्यादातर ऑफिस में यूज किया जाता है, कार्यालय में यूज किया जाता है। दोस्तों डीएमपी प्रिंटर में एक पिन्स होती है, उसमें 9 से लेकर के 24 पिन होती है और उसपे हेड होता है, जो प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर
जो डीएमपी प्रिंटर है उसमें हेड होता है, उसके हेड में वो हेड आपका मेटल के भी बना होते हैं और प्लास्टिक के भी बने होते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उस हेड में एक 9 या 24 पिन की पिन लगी होती है छोटी छोटी, जो इंक रिबन पर स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने का मतलब उस जो आपका पेज लगता है, जब पेज आपके प्रिंटर में लग जाता है तो उस पेज पर ड्रैग करती है, वो प्रिंटिंग का काम करती है, स्ट्राइक करती है, वो गिरती है, उसमें स्याही होती है उन पिन्स में, और वो हैमर करती है, आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करेंगे, बहुत ही स्लो काम करने वाले वो सारे प्रिंटर होते हैं। तो उसका जो प्रिंटिंग होता है दोस्तों बहुत ही रफ दिखाई देगा, बहुत ही क्लियर अच्छा नहीं लगता है वो देखने में। दोस्तों ये था डीएमपी के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में जानकारी दिया, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ये बताया मैंने, और इम्पैक्ट प्रिंटर में डीएमपी प्रिंटर क्या होता है ये मैंने बताया। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें।